आंसर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, लेकिन आंसर इसका करेक्ट क्या है वो है डी ऑप्शन। तो हेलो दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं 10 GK क्वेश्चन एंड आंसर फॉर क्लास 8। अगर आप क्लास 8 में हो और आपका ड्रीम है कि आपको एक IAS ऑफिसर बनना है, तो आप कैसे, क्या क्वेश्चन आंसर, क्या करंट अफेयर्स, क्या GK क्वेश्चंस कर सकते हो, उसकी हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका ये पहला पार्ट है। तो पहले पार्ट के अंदर हम 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं। ऐसे हम रोज वीडियो लाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के, करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आंसर जो आपकी क्लास 8 की GK तो अच्छी कर देगी और उसके साथ में आपका अगर ड्रीम है एक IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर बनना, तो उसमें भी करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपकी GK शुरू से ही स्ट्रांग होनी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन में हम बात करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, इसरो की फुल फॉर्म क्या है। काफी बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन क्या है, इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड ऑप्शन क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। सी ऑप्शन है इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से जो आंसर सही है उसको कमेंट में लिख के बताओ, और आपका आंसर कौन सा करेक्ट है वो है बी। अगर आपने सही लिखा है तो बहुत अच्छे। हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसरो आखिर है क्या। तो इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या है, नेशनल स्पेस एजेंसी है इंडिया की, यानी कि हमारी वो नेशनल स्पेस एजेंसी है। प्राइमरी रिसर्च करती है, डेवलपमेंट करती है स्पेस से रिलेटेड। और कौन डायरेक्ट करता है इसको, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको डायरेक्ट करते हैं और चेयरमैन ऑफ इसरो भी इसको डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने जान लिया। उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट डज 5G मींस, 5G का मीन क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसके बारे में ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है फिफ्थ गैप, फिफ्थ ग्रेटर, फिफ्थ जनरेशन या फिफ्थ ग्रुप, क्या इसका आंसर है। काफी बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि पहला पार्ट है, पहला एपिसोड है, तो काफी बेसिक क्वेश्चन रखे हैं। तो क्या इसका आंसर है, आंसर इसका सी, क्या है, फिफ्थ जनरेशन। तो क्या होता है ये फिफ्थ 4G, तो जैसे कि हम मोबाइल नेटवर्क्स की अगर हम बात करते हैं, तो मोबाइल नेटवर्क्स ग्लोबली एक उसका स्टैंडर्ड रखा जाता है, नाम रखा जाता है। तो स्टार्ट हुआ था किससे, फर्स्ट जनरेशन से, और अभी क्या चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। तो ये हर टाइम इसको डेवलप करते हैं और इसको हम जनरेशन से डिनोट करते हैं। तो अभी क्या है, फिफ्थ जनरेशन, यानी कि 5G चल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, जो है व्हाट इज द हाइट ऑफ कंचनजंगा। तो कंचनजंगा क्या है, वो इंडिया का सबसे टॉलेस्ट क्या है, माउंटेन है, सबसे टॉलेस्ट पीक है, लेकिन उसकी हाइट क्या है ये आपको बतानी है। तो पहला ऑप्शन है 8484 मीटर, या फिर 8586 मीटर, फिर सी ऑप्शन है 8786 मीटर, फिर नेक्स्ट है 8684 मीटर। आंसर है इसका बी, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों, क्योंकि जो आपका कंचनजंगा यानी K2 है उसकी हाइट कितनी है, जो है आपकी 8586 मीटर, और ये इंडिया का सबसे टॉलेस्ट है। तो वैसे सबसे टॉलेस्ट माउंट एवरेस्ट, बट वो है नेपाल में। तो K2 का थोड़ा पार्ट कहाँ आता है, सिक्किम में आता है, और नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया में आता है, ईस्टर्न नेपाल में आता है, और 74 किलोमीटर की इसकी बाउंड्री दार्जिलिंग में आती है। लेकिन मेन पार्ट, सबसे हाईएस्ट पीक कहाँ पर है, वो है इंडिया में, किसका, कंचनजंगा का, तो सेकंड हाईएस्ट पीक है। और तो ये इंडिया का हाईएस्ट पीक है। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस, जो है हु फाउंडेड द सर्च इंजन गूगल। तो गूगल पर आज हर कोई सर्च करता है, लेकिन इसकी फाउंडेशन यानी कि इसकी डिस्कवरी किसने की, सबसे पहले इसको इन्वेंट किसने किया था। तो ऑप्शन है बिल गेट्स, बी ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग, सी ऑप्शन है लैरी पेज, एंड डी ऑप्शन है सुंदर पिचाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कमेंट में जरूर लिखिए। तो ऑप्शन है इसका सी, यानी कि लैरी पेज एंड सर्गेई ब्रिन। उसके बाद हम, तो सबसे ज्यादा फेमस जो सर्च इंजन है वो कौन सा है, वो गूगल है। उसके क्या है ये फाउंडर कौन थे, लैरी पेज, दूसरे थे कौन, जो थे आपके सर्गेई ब्रिन। तो उस अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज अ टेस्ट मैच लास्ट, एक टेस्ट मैच कितने दिन तक चलता है। तो काफी बेसिक क्वेश्चन है,
काफी लोग क्रिकेट देखते हैं, होप आप भी क्रिकेट भी देखते होंगे। तो एक टेस्ट मैच कितने दिन चलता है, तो आंसर क्या हो सकता है इनमें से, 4 days, 3 days, 2 days या 5 days, कितने दिन चलता है एक टेस्ट मैच? आंसर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। लेकिन आंसर इसका करेक्ट क्या है, वो है डी ऑप्शन, एक टेस्ट मैच जो होता है वो 5 दिन चलता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, काफी बेसिक नॉलेज है। तो एक टेस्ट मैच जो होता है वो 5 दिन चलता है और 5 दिन में डिसाइड होता है कि कौन जीत रहा है। अगर 5 दिन में कोई नहीं जीत पाया तो मैच ड्रॉ हो जाता है और एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 90 ओवर्स फेंके जाते हैं, ठीक है, 90 ओवर्स डाले जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेम द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट क्या है, सबसे ज्यादा छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो ऑप्शन है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या यूरोप, इनमें से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो आंसर क्या हो सकता है, सोचिए जरा एक बार में। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। लेकिन आंसर इसका क्या है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और ये फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री भी है, ठीक है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका, जो है एशिया, ठीक है। तो सिंपल है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो क्या है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं इन वर्ल्ड के अंदर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया क्या है, सबसे छोटा है, जिसका एरिया है 7.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और उसकी पॉपुलेशन है 43 मिलियन, ठीक है, और ये फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, व्हाट डज एलईडी स्टैंड फॉर? एलईडी किसके, इसकी फुल फॉर्म क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, जो है लाइट एमिटिंग डायोड, या फिर बी ऑप्शन लिक्विड एमिटिंग डायोड, या फिर सी ऑप्शन लेजर एमिटिंग डायोड, या फिर लाइफ एमिटिंग डायोड, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आंसर अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताओ। लेकिन अगर आंसर इसमें देखोगे तो एलईडी जो होता है वो लाइट से कनेक्टेड होता है, यानी कि आपके घर में जो एलईडी बल्ब होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं हम लाइट से। तो फुल फॉर्म क्या बनेगी, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि एलईडी किसके लिए स्टैंड करता है, लाइट एमिटिंग डायोड के लिए स्टैंड करता है, और ये 90% ज्यादा एफिशिएंट है, जो नॉर्मल बल्ब हम यूज करते हैं उससे काफी ज्यादा एफिशिएंट है 90%, क्योंकि पहले के बल्ब जो होते थे वो अप्रोक्सीमेटली 100 वाट के होते थे, ठीक है। जो बल्ब होते कितने होते थे, 100 वाट के होते थे, लेकिन आज की जो एलईडीज है वो कितनी होती है, वो उससे 10 वाट की होती है। तो 90% क्या हो गया, एफिशिएंट हो गया, यानी कि 90% एनर्जी हमारी बच गई, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एर्थ क्वेश्चन की। तो एर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेटेस्ट मिशन ऑफ इसरो? इसरो का सबसे लेटेस्ट मिशन कौन सा है, आपको अगर याद है तो जरूर बताओ। तो ऑप्शन है आपके पास, चंद्रयान 3, आदित्य L1, या फिर गगनयान 1, या फिर चंद्रयान 2, इनमें से सबसे लेटेस्ट मिशन कौन सा है, जो अभी लॉन्च हुआ है वो इनमें से कौन सा है? तो काफी बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन हो कि वो चंद्रयान 3 है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो लेटेस्ट मिशन जो अभी हुआ है, जो हुआ है 2 सितंबर को, वो हुआ है कौन सा, आदित्य L1, जो कि रिसर्च करेगा अबाउट सन, सन के लिए रिसर्च करेगा। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है बी, यानी कि आदित्य L1। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है व्हाट डज COVID-19 मीन? COVID-19 का मतलब क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो पहला ऑप्शन है जो है कोरोना वायरस डॉक्टर 19, या कोरोना वायरस डेथ 19, या कोरोना वायरस डेंजर 19, या फिर कोरोना वायरस डिजीज 19, इनमें से ऑप्शन क्या है, आपको बताना है आंसर। तो आंसर क्या है इसका, डी ऑप्शन करेक्ट है, जो है कोरोना वायरस डिजीज 19, जिसकी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म कैसे बनी है, कोरोना का को, वायरस का वी, और डिजीज का डी, ये क्या बन गया आपका, कोविड और 19, क्योंकि वो 2019 में ही सबसे पहले आया था, तो नाम क्या बना, कोविड-19। सबसे पहले इसका नाम क्या था, जो था नोवल कोरोना वायरस, जिसको एनकोव 2019 बोलते थे, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज हो क्या हो गया, वो हो गया इसका कोविड-19, जिसका एक फाइनल नेम बन गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके बाद, जो है विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज द लॉन्गेस्ट रोटेशन? ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा लंबा चक्कर लगाता है और सबसे ज्यादा दिन में लगाता है? तो ऑप्शन है आपके पास, अर्थ, वीनस, जुपिटर या मार्स, इन प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा टाइम में रोटेशन करता है, सबसे ज्यादा टाइम लेता है घूमने में, तो कौन सा ऐसा प्लैनेट है, ठीक है। तो ऑप्शन है अर्थ, वीनस, जुपिटर या फिर मार्स, इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा रोटेशन करता है? तो ऑप्शन क्या हो सकता है, तो ऑप्शन है क्या इसका, वीनस। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, कितने दिन लेता है, जो लेता है 243 डेज लेता है वीनस, सबसे लॉन्गेस्ट रोटेशन है इसका। और सबसे कम कौन लेता है, वो है जुपिटर, जो लेता है 9 आवर्स 55 मिनट का टाइम लेता है।
तो ये थे वो 10 क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए। आप चाहते हो इस जैसी और वीडियो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि इसकी सीरीज पूरी कंटिन्यू करनी कि नहीं। तो ये थी आज की वीडियो, होप आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उससे वीडियो बना पाऊँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।